लॉटरी फैन निकली भी तो किनकी? अच्छा, राहत फतेह अली खान की। वाह, ठीक ठाक सिंगर का नाम लेती है, मैं शायद ट्राई कर भी लेता। राहत फतेह अली खान की आवाज़ कैसे निकालें पाजी, बहुत मुश्किल है। ट्राई करता हूँ लेकिन करो, लेकिन उनके लिए साथ में और भी खान साहब बंदे चाहिए, हमने खास तौर पर बुलाए हैं। खान साहब आइए जरा हारमोनियम पे, क्या और हमारे दोस्त एक ढोलक पे। क्या बात है महाराज, क्या बात। ओके, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। और एक ये भी बैठे ना हैं ये सर, ये सब धुरंधर लोग हैं हमारे महारथी, इन सबके लिए एक बार 2000 तालियां। खान साहब एक ऐसे ही कोई भी सुर दो अपनी मर्जी से, कोई भी दे दो, कुछ भी खड़का दो। रहने दो खान साहब, मेरे से नहीं होगा, मैं ट्राई करता हूं। ओके, अर्ज किया है, करो करो। तेरा वेलकम पाजी। अरे सर ठीक है आप? पाजी प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू थोड़ा सा। आओ यार सर जी। तेरे बिन मेरा मन जैसे लगी तुमसे मन के लगन, लगन लगी तुमसे मन के लगन, लगन लगी तुमसे मन के लगन, लगन लगी तुमसे मन के लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तेरे से लगन, लगन लगी तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन। क्या बात है, सारी दिल खुश कर दिया आपने। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर राहत फतेह अली खान साहब के लिए। बाजी आइए जरा धन्य करो हमारी सोफे को, हमारे को। राहत साहब छा गए आप। सर सर बहुत शुक्रिया। हजारों फनकारों की भीड़ में जिसके नाम की अद्भुत पहचान, हर तरफ बिखरे हैं आपके चाहने वाले, जिसकी मौजूदगी महफिलों की शान है, खुदा की बंदगी है, तेरे गीतों में नूर रहमत का है बरसता, नाज है आवाज की दुनिया को जिसपे, वो शख्सियत का नाम राहत फतेह अली खान। क्या बात है पाजी। आपको पता है मेरे जो साथी म्यूजिशियंस हैं ये सब आपके बड़े फैन हैं, और जो कीबोर्ड पे मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा राहत पाजी आ रहे हैं, तू मत बजाना तू पकड़ा जाएगा। ये मेरे को बोल रहा था, कहता जहाँ से राहत पाजी गाते हैं मेरे को एक्स्ट्रा कीज लगवा के दो। तो यही फर्क है कपिल, क्या है कि आज का जो म्यूजिक है ना जी, वो साजों पर चलता है जी, साज डोमिनेट करते हैं, लेकिन ये वो साहब हैं जिनकी आवाज साजों के ऊपर चढ़ के राज करती। बिल्कुल बाजी, ये है वो बंदा, ये आपका सुनने का फन है। बाजी आजकल ना लोग छोटी छोटी चीज को और छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे सलमान भाई का नाम सल्लू कर दिया, कपिल का कप्पू कर दिया, आपका नाम मतलब राहत फतेह अली खान, मुझे लगा 2-3 लोगों का ग्रुप होगा ये। पाजी आपका आपका कोई छोटा नाम भी है वैसे? आप छोटा नाम घर में क्या बुलाते हैं आपको? प्लीज टीपू। टीपू? अच्छा है। पर मजा भी ऐसे बोलने में आता कि राहत फतेह अली खान, पता लगता है मैं बोलूँ आपके सामने आ रहे हैं टीपू, लोगों को पता नहीं चले। अच्छा राहत साहब के बारे में आप सब जानते हैं, राहत पाजी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के परिवार से हैं, तो इनके परिवार में जितने भी लोग हैं सबके सब सुरीले। पाजी एक बात बताओ, जब आपके फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब वो रोते हुए पैदा होता है कि लाभ लेके पैदा होते हैं? नहीं सीरियसली, मैं मन में सवाल था तो अगर मैं आपसे पूछूं जी, आप तो बहुत माशाल्लाह सब दुनिया को हंसा रहे हो जी, तो आपके जब बच्चे होंगे तो क्या वो कॉमेडी करते हो? वो तो नहीं कॉमेडी करते पैदा होंगे, मैं कुछ कॉमेडी करूंगा तो फिर होएंगे। पाजी मेरी बड़ी इच्छा थी एक्चुअली कभी नुसरत साहब को ऐसे मिल सकूं या कभी उनको सुन ही सकूं, पर हमारी किस्मत में नहीं था, तो इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह के चले गए। लेकिन ये सर हमारा सौभाग्य कि आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और हम आपके बहुत मुरीद हैं। राहत भाई आपने किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था? 6 साल की उम्र में। अच्छा देख लो 6 साल की उम्र में तू तो डायपर पहनता था दिनेश। सीरियसली बच्चे इतनी उम्र में डायपर पहन के घूम रहे होते हैं, नाक बह रही होती है, माएँ कभी कभी उसी डायपर से नाक पहुंच देती है बच्चे की। 6 साल की उम्र में तो पाजी अच्छा कलाकारों का रिस्पॉन्स भी दे रहे, चुटकी बात पे भी वाह वाह। अच्छा पाजी तो आपकी लाइफ की पहली परफॉर्मेंस जब आपने दी थी तो तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 9 साल में जी। सारे काम फटाफटी कर रहे हैं आप। 6 साल की उम्र में रियाज शुरू कर दिया, 9 साल की उम्र में परफॉर्मेंस। एक्चुअली 6 साल की उम्र में मुझे शौक पैदा हुआ कि गाना, एक्चुअली मैं जब कोई गाना लगता था लता जी का जी, लाइक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का, घर में कोई रिकॉर्ड लगता था तो मुझे समझ तो नहीं आती थी बट मैं रोने लग जाता था। वो सुर का जो एक असर है वो दिल पे जी एज ए चाइल्ड मेरे बहुत रहा, तो उसको फिर देखते हुए मेरे अब्बा ने कहा कि आई थिंक ये गाना ही जाता होगा जो क्या अमीर हो जाने। तो वही अंदर तो था ही, तो फिर आपने इच्छा किसको बताई गाने की? तो खान साहब, बड़े खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उन्होंने फिर मुझे बाकायदा सिखाना शुरू किया 86 में। तो फिर 3 साल की मेहनत के बाद जो भी वो बच्चे को सिखा सकते थे, फिर राग हमीर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने दादा की एनिवर्सरी, उनकी हुआ करते थे डेथ एनिवर्सरी जी, और वहाँ पे बहुत सारे उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब, बहुत सारे लोग, उस्ताद तारी खान साहब, गुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, ये ऑडियंस भी होते थे और गायक भी होते थे वहाँ पे, एज ए अकीदत के तौर पर वहाँ पे अपना फन पेश करते थे। तो उनमें फिर मैंने राग हमीर गाया, तो इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए उन्होंने पता ये तोते की तरह रटे। अच्छा तो तब आपने रटा, लेकिन अब आपका रियाज इतना हो गया, पाजी की उम्र कुछ खास नहीं है लेकिन इनका गाना सुनते तो ऐसे लगता है 80-90 साल हो गए रियाज करते हुए। ये उसी का नतीजा है कि आज पाजी इतनी बुलंद आवाज के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया पाजी, आपने बहुत सारे रोमांटिक गाने गाए, बॉलीवुड में आपके गाने जो इतने पॉपुलर हैं, कभी ऐसा हुआ कि कभी आप लाइव शो में गा रहे हो और सामने कोई मोहतरमा बैठी हो तो किसी ने सीरियसली ले लिया हो कि शायद मेरे को देख के गा रहा है और वो सीरियस हो गई हो? बैक स्टेज आके कभी मिली राहत? I was looking into your eyes. तो ऐसी मुझे इतने मतलब अजीब कमेंट्स मिलते हैं कि I love your voice. Voice. बस इतना तो मुझे। अच्छा राहत पाजी जब गाते हैं ना तो लगता है कि बड़ा इजी होगा गाना, हालांकि वो इनके लिए इजी होता है क्योंकि इतना मुस्कुरा के गाते हैं ना। वही लाइन आप दोबारा जाके अपने कमरे में गाओ, लगता ही नहीं सुर, अभी ये जिस स्किल पे आ रहे थे नहीं लगता, इम्पॉसिबल, इट्स सुसाइड। पर जब हम लोगों का कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने का मन होता है, हम आप जैसे कलाकारों के गाने सुनते हैं, आपका जब मन होता है तो आप किसका गाना सुनते हैं? जैसे मैंने बोला कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उनके उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के, गुलाम अली खान साहब के, तो किशोरदा का, किशोरदा, मोहम्मद रफ़ी साहब, ये सब लेजेंड हैं। इनको सुन के हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि माइक के आगे लफ्ज़ तलफ़ुज़, लता जी ख़ास तौर पे लता जी, उन्होंने सिखाया कि माइक पे मोहब्बत कैसे कहना है। वाह क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल। राहत भाई की किशोरदा का गाना हो जाए आपके स्टाइल में थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके। अरे ना, किशोरदा को मैं बड़ा प्यार करता हूं, क्यों उनकी रूह को बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कुछ हो जाएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किशोरदा हमारे उस्ताद हैं और उस्तादों की गाई हुई जो गज़ल है वो बड़े कानों को 40 दफ़ा हाथ लगा के गाने चाहिए या कोई गीत उनका गाया हुआ। तो मेरी ये बिसात नहीं है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँगा तो कुछ और जैसा नहीं हो सकता। ये मैं कह रहा हूँ मगर मेरे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच बाजी। आज आपका ये गाने का जो है ये लुत्फ इतना आया है कि आज मेरे दिल में आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। थैंक यू भाई, शुक्रिया। बहुत For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.